नमस्कार, आप देख रहे हैं और वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ एस्थिर कुमारी। कुर्सेला से आर्यन की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में गंगा तथा कोशी में हो रही लगातार जल वृद्धि के कारण बाढ़ की विभीषिका को लेकर लगातार त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से लगातार प्रखंड क्षेत्र के पंचायतों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का समाचार प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके प्रभाव स्वरूप सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संभावित कार्यक्रम आगामी मंगलवार को होना तय हुआ है। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर सोमवार को जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, ADM विजय कुमार, SDM शंकर शरण ओमी तथा अभियंताओं की टीम ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना करते हुए संपत राजदेवी कन्या उच्च विद्यालय तथा माल गोदाम सहित कुल 38 स्थानों पर सामुदायिक किचन प्रारंभ करने के साथ ही PHED के अभियंता राजा बाबू को शौचालय एवं चापाकल की व्यवस्था एवं अंचलाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में यथाशीघ्र प्लास्टिक वितरण के निर्देश दिए। सुखा राशन अरे सुनिए, नहीं होता है। अच्छा रुकिए, सुनिए, मेरा हुआ है तो नहीं बात ऊपर मत में नहीं मिलता है। अपना गम की हालत है, कितना पानी इतना पानी नहीं कपड़ा व्यवस्था आय बने खाना आय बनते यहाँ पर आय से बनते खाना आय सामुदायिक किचन खुले यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि कुर्सेला रेलवे माल गोदाम के समीप विगत संध्या पशुपालकों के बीच 32.7 किलोग्राम पशु चारा वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी चुस्ती दिख रही है। हेलीपैड के निर्माण को लेकर विभिन्न स्थलों की माप तौल भी की गई है। ADM विजय कुमार ने बताया कि GR राशि को लेकर सूची संधारित कर ली गई है। आने वाले समय में बाढ़ अनुदान राशि वितरण भी शीघ्र किया जाएगा। नदी गंगा नदी में निरंतर उसके जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण जी हमारे कुर्सेला का 6 पंचायत में लगभग 4 पंचायत तो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है जी, जी। और 2 पंचायतें आंशिक रूप से प्रभावित है और मेरा सारे अधिकारी जैसा कि आप देख रहे हैं कि 24 घंटा अहर्निश सेवा में लगे हुए हैं सारे अधिकारी, BDO CO से लेकर सारे प्रखंड स्तर के पदाधिकारी। और मैं चूँकि जिला स्तर का पदाधिकारी हूँ, इस विभाग का नोडल अफसर हूँ, तो हमारा ये दायित्व है कि जो नीचे के अधिकारी हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको मैं सामग्री, मैन पावर और रिसोर्सेज उनको उपलब्ध कराऊँ। आप देख रहे हैं कि मैंने पॉलिथीन सीट से लेकर के और जो कमेटी किचन चल रहे हैं उसका उसमें से ट्रैक्टर के सामने देख रहे हैं कि लोड हो रहा है और 20 जगह पे हम लोग का कम्युनिटी किचन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और अभी हम और एसेस कर रहे हैं कि हमको कितने जगहों पे चलाना है। तो हम पहले कंक्लूजन पे आएंगे कि 6 से 8 और हमें स्टार्ट करने की स्थिति में है, हमारे पास सामान की कोई कमी नहीं है। और कल जिस तरह से आप देख रहे थे कि थाना के पीछे के हिस्से में नदी का पानी जो है रोड क्रॉस कर गया था, जिससे शहर में पानी की सूचना मिली थी और हमारे अंचल अधिकारी और BDO साहब और थाना प्रभारी ने जाकर के जो तुरंत जो हो सकता था कटाव निरोधी कार्य उसको शुरू कराया, लेकिन जब उससे कटाव नहीं रुकने लगा तो फिर DM साहब ने राज्य स्तर पे बात किया और फिर फ्लड डिवीजन के इंजीनियर्स की टीम ने रात भर में कैंप करके वहाँ से जो पानी का बहाव था उसको रोकने का काम किया। तो इससे हमारा पूरा जो मार्केट है उसको हम लोगों ने बाढ़ में डूबने से बचाया है। और हम आज आए हैं इसी क्रम में कि हर व्यक्ति को जो मानक संचालन प्रक्रिया है आपदा प्रबंधन विभाग का वो सुविधा मिल जाए, नहीं हम लोग दिलवा रहे हैं। कम्युनिटी किचन में आप देखेंगे लोग खाना खा रहे हैं, लोगों को पॉलीथीन सीट्स हमने 3000 बांट दिया है और 5000 हमारे स्टोर में है, अभी ये भी जा रहा है। सर सूखा राशन और पशु चारे सूखा राशन के लिए हम लोगों ने कितना आपको भेज दिया सूखा राशन, जबकि कम्युनिटी किचन स्टार्ट हो जाने के बाद सूखा राशन वितरण का कोई औचित्य नहीं होता है। सूखा राशन तो
हम लोगों ने रखा है और बांटा भी है सूखा राशन 1200 पैकेट और 60 क्विंटल पशुओं के चारा की बांटने की व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। अभी हमने बीएचओ को और उनके टीम को बोला है कि अभी से लेकर के कल शाम तक कितने ऐसे पशु हैं जिनको चारे की आवश्यकता है उसका सर्वेक्षण करा लें। उन्होंने सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है और अभी से वो वितरण की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.